सत्ता का नशा बीजेपी नेताओं के सर चढ़कर बोलने लगा है। इलाहाबाद के शहर उत्तरी के बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने संगम चौकी में तैनात एक दरोगा को पब्लिक के सामने जमकर जलील किया और दरोगा को सबके सामने गालियां दी। इतने पर भी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने फोन कर फिर से गाली गलौज की। एक नंबर से कॉल आया कि तुम कौन बोल रहे हो, उन्होंने जो है अभद्रतापूर्वक गाली गलौज, क्या होता कि मैं हर्ष वाजपेयी बोल रहा हूँ, शायद उत्तरी विधायक, तू सिंगम बोल रहा है, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत ही माँ बहन की हर एक चीज़ों को उन्होंने गाली दिया। फिर नाका वहाँ पे पूरी पब्लिक वहाँ पे थे, पब्लिक प्लेस में उन्होंने पूरे पहले दरोगाओं को गाली दिया और सारे सिपाहियों को गाली दिया। फिर उन्होंने मेरे पर्सनल नंबर पे हमारे नाका जो चौकी इंचार्ज हैं SI शिवचरण राम, उनके मोबाइल के द्वारा मेरे पर्सनल नंबर पे गाली दिया गया। फिर उन्होंने अपने नंबर से फिर गाली दिए, तू आ कहाँ पे है। दरअसल इलाहाबाद के दारागंज में एक 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और लोग चक्का जाम कर रहे थे, तभी विधायक भी पब्लिक के सपोर्ट में वहां पहुंचे और पब्लिक के सामने ही दरोगा से भिड़ गए। फिलहाल दरोगा उमेश कुमार सिंह अपने साथ हुए सलूक पर आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज ब्यूरो।